जगत सिंह नेगी जो कि पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं विधानसभा के, और बात की जाए इस समय विपक्ष ने जो है वो सदन से वॉकआउट किया है। जानते हैं कि क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा गया और उसके बाद वॉकआउट किया गया। जगत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मिशन प्राइम बातचीत में। सर जानना चाहेंगे जिस तरह से चौथे दिन भी जो है वो वॉकआउट किया गया सदन से, और क्या लगता है किस मुद्दों को लेकर जो है वो वॉकआउट हुआ है, लगातार जो है वो चौथे दिन भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है। हम जो है पहले दिन से ही मांग कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय से, व्यवस्था का प्रश्न हमने उठाया है पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत, कि जिस प्रक्रिया के तहत जिस बैठक में हमारे माननीय सदस्यों को निलंबित किया गया है, हम कह रहे हैं कि वो गैरकानूनी था, और जो सदन का एडजॉर्नमेंट के बाद दोबारा से सदन को वापस बुलाया गया उसमें हमें समय नहीं दिया गया। आप उस समय जानते हैं कि 11:16 के समय जो है राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ, उसके बाद जो है हाउस को जो है अगले सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया था 2 बजे तक के लिए, और 12:46 पे हमें जो SMS के माध्यम से, वो भी कुछ मेंबर्स को मिले कुछ को नहीं मिला, उसमें ये कहा गया कि 12:50 पे दोबारा से हाउस को बुलाया गया है। इन्होंने जो है एक तरफा कार्रवाई करके हमारे बगैर सुने, विपक्ष को बगैर सुने हमारे 5 सदस्यों को निलंबन किया, इस पर हम व्यवस्था मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि यह गैरकानूनन था, वो बैठक भी गैरकानूनन था, आप इसके बारे में व्यवस्था दीजिए और साथ में जो निलंबन हुआ है उसको रद्द कीजिए। नेगी जी क्या लगता है, 6 दिन का वक्त बीत चुका है, FIR जो है वो विपक्ष के 5 नेताओं के खिलाफ सरकार ने किए, नेता प्रतिपक्ष भी उसमें शामिल हैं, तो विपक्ष द्वारा अभी तक कोई भी FIR क्यों नहीं, क्रॉस FIR दर्ज की गई, क्या लगता है केवल राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए ही जो है वो इस तरह जो है वो सदन से वॉकआउट हो रहा है और जो बाहर धरने पे बैठे? सदन के अंदर सदन ने 5 विधायकों को बिना सुने फैसला सुना दिया, चाहे वो फैसला 1 मिनट के लिए आप मान लो कि वो सही भी था, तो उसके बाद दोबारा FIR कहाँ से होनी थी? आप एक ही घटना पे 2 बार किसी को फांसी नहीं चढ़ा सकते। जगत जी जिस तरह से सरकार लगातार ये कह रही है डेडलॉक को तोड़ने के लिए विपक्ष को पहले राज्यपाल के पास जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि संवैधानिक पद की गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, क्या लगता है कि विपक्ष को पहल करनी चाहिए या फिर किस तरह से ये डेडलॉक टूट सकता है ताकि जनहित के मुद्दे जो हैं वो गौण जो अब तक पड़े हैं वो जो है सभा पटल पर उठाए जा सके? राज्यपाल महोदय ठीक है, हमारे संविधान के पद पर बैठे हैं, स्पीकर साहब भी जो है हमारा स्पीकर है वो भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। मैं विपक्ष को यह याद दिलाना चाहता हूँ, जिस दिन आपने जो है हमारे विधानसभा अध्यक्ष के आसन पर जाकर बैठकर उसकी गरिमा को तोड़ी थी, उस समय आपको पीड़ा नहीं हुई? उस समय आपने कोई माफ़ी मांगी? और हमने जब कोई गलती नहीं की, आप हमारे बीच में घुस कर आए, धक्का मुक्की हमारे से की, हम किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगे? सर अब क्या होगा, किस तरह से डेडलॉक टूट सकता है, क्या सरकार को पहल करनी पड़ेगी या विपक्ष पहल करेगा? सरकार अगर चाहती है कि हम जो है प्रश्न करें, हम जो है ज्वलंत मुद्दों को उठाए, नेता जो हमारा सदन के नेता है वो माननीय मुख्यमंत्री होता है, और सरकार की जिम्मेवारी है सदन चलाने की, जिम्मेवारी तो इनकी है, हम तो रोज़ आ रहे हैं, हमारी बात सुनी नहीं जा रही, हमें वॉकआउट करना पड़ रहा है। जगत जी आखिरी प्रश्न ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से सिक्योरिटी राज्यपाल की 2 गुना कर दी गई है, मार्शल्स 90 से ज़्यादा जो है वो विपक्ष के लिए सदन के बाहर लगा दिए गए हैं, और उपाध्यक्ष की बात की जाए उनकी जो है सिक्योरिटी उनकी भी बढ़ा दी गई है, पायलट उनको दे दी गई है, तो क्या इतना बड़ा खतरा मंडराने लगा विपक्ष से? इसका मतलब यह है जिन लोगों को वैसे नहीं मिलना था सिक्योरिटी या पायलट नहीं मिलना था, इसी बहाने जो है उनको पायलट मिल गया। अगर आपने सिक्योरिटी बढ़ानी थी तो चाइना बॉर्डर पर बढ़ाओ, पाकिस्तान बॉर्डर पे बढ़ाओ, जहाँ पर जो है रोज़ घुस रहे हैं, चीन घुस रहा है, पाकिस्तान घुस रहा है, वहाँ बढ़ाओ सिक्योरिटी। तो ये थे मसा जगत सिंह नेगी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को डेडलॉक तोड़ने के लिए कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो दोनों सदनों के नेता होते हैं, और वहीं राज्यपाल महोदय को भी इसमें इंटरवीन कर जो है वो डेडलॉक तोड़ने की पहल करनी चाहिए, और ताकि विपक्ष को वहां बुलाया जाए और उनकी बात भी सुनी जाए। मैं अपने सहयोगी पुष्पिंदर चौधरी के साथ सुनील परमार, MH1 प्राइम, शिमला।